अक्षय कुमार की पहली हीरोइन याद है आपको? 53 साल के अक्षय कुमार की गिनती आज भी बॉलीवुड के सुपरहिट एक्टर्स में होती है। फिटनेस फ्रीक अक्षय अपनी उम्र से 23 से 25 साल छोटी लड़कियों के साथ भी फिल्मों में जोड़ी जमा रहे हैं, उनके साथ इश्क लड़ा रहे हैं। वहीं अक्षय कुमार के साथ काम करने वाली कई अभिनेत्रियां लंबे वक्त से गुमनामी के अंधेरे में खोई हैं। इन्हीं में से एक है उनकी पहली हीरोइन शांति प्रिया। कुछ याद आया आपको, कौन है शांति प्रिया? एक्टिंग की दुनिया में अक्षय कुमार ने पहला कदम एक्ट्रेस शांति प्रिया के साथ ही रखा था। दोनों की जोड़ी फिल्म सौगंध में नजर आई थी। आगे चलकर तो अक्षय इंडस्ट्री के सुपरस्टार बन गए, पर वहीं शांति प्रिया पर वक्त ने वो बेरहमी दिखाई कि वह धीरे धीरे गुमनामी में खो गईं। हालांकि अब शांति प्रिया एक बार फिर कमबैक करने जा रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि शांति प्रिया ने अपने कमबैक के लिए किसी फिल्म को नहीं बल्कि वेब सीरीज को चुना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शांति प्रिया द धारावी बैंक नाम की वेब सीरीज के साथ वापसी कर रही हैं। शांति प्रिया के करीबियों ने उनके कमबैक की खबरों को कंफर्म भी किया है। हालांकि शांति प्रिया के कमबैक के बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं हैं। बता दें कि शांति प्रिया की जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी रही है। महज 35 साल की उम्र में शांति प्रिया को जीवन साथी के खोने का गम सहना पड़ा था, जिसके बाद उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों की परवरिश की खातिर अकेलेपन में गुजार दी। शांति प्रिया ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 1987 में साउथ फिल्मों से की थी। लगभग 4 साल तक साउथ मूवीज में काम करने के बाद शांति प्रिया ने साल 1991 में फिल्म सौगंध से बॉलीवुड की तरफ रुख किया। फिल्म में शांति प्रिया ने कई बोल्ड सीन दिए थे, जिसकी वजह से वह खूब सुर्खियों में छाई थीं। सौगंध के बाद उन्होंने मेहरबान, फूल और अंगारे, मेरे साजन, साथ निभाना, वीरता और इक्के पे इक्का जैसी फिल्मों में काम किया। हालांकि इसके बाद भी शांति प्रिया बॉलीवुड में खास मुकाम हासिल नहीं कर पाई। उन्हीं दिनों शांति प्रिया एक्टर सिद्धार्थ रे को डेट कर रही थी। सिद्धार्थ रे को आपने फिल्म बाजीगर में काजोल के बॉयफ्रेंड करण सक्सेना के रोल में देखा होगा। सिद्धार्थ मशहूर फिल्मकार वी शांताराम के पोते थे। साल 1999 में शांति प्रिया और सिद्धार्थ रे ने शादी कर ली थी। शादी के बाद शांति प्रिया दो बच्चों की मां बनी। जब उन्हें लगा कि अब जिंदगी अच्छी चल रही है, तभी साल 2004 में उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान आ गया। सिद्धार्थ रे की हार्ट अटैक से मौत हो गई। सिद्धार्थ रे उस वक्त सिर्फ 40 साल के थे और शांति प्रिया की उम्र 35 साल थी। सिद्धार्थ को खोने के बाद शांति प्रिया के कंधों पर उनके दोनों बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी आ गई। परिवार की खातिर शांति प्रिया ने कई बार साउथ फिल्मों में कमबैक किया और कई बार ब्रेक भी लिया। शांति प्रिया ने छोटे पर्दे पर माता की चौकी और द्वारकाधीश में भी काम किया है, लेकिन शांति प्रिया डिजिटल डेब्यू के जरिए अपने करियर की नई इनिंग की शुरुआत करने जा रही है।